आज उत्साह जो क्लब्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू उसका एक इम्पोर्टेंट क्लब है लिटरेरी क्लब। उन्होंने ये एक वन डे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है जो कि स्टोरी टेलिंग थ्रू पपेट्स जिसका टाइटल है। और पपेट्री पे एक ये वर्कशॉप करने का पर्पस ये है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीडियम है ये जिससे हम अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो हमारी एक ट्रेडिशनल इंडियन जो ट्रेडिशन है उसमें काफी इम्पोर्टेंट रोल है इस पर्टिकुलर फॉर्म का, और जो विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्विंडल होती जा रही है उसको रिवाइव करने की एक कोशिश है ये आज की वर्कशॉप। बच्चों ने बहुत एंथुजियास्टिकली इसमें पार्टिसिपेट किया है, और इसमें हमने जो रिसोर्स पर्सन है वो स्पेसिफिकली इसलिए बुलाए हैं कि वो इन बच्चों को हैंड ऑन एक्सपीरियंस दे पाए और उनको बता पाए कि इसका पर्पस क्या है। इसमें लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एस्थेटिक्स हैं, वेदर इट्स वर्ड, इट्स कलर, इट्स मूवमेंट, इट्स म्यूजिक, एवरीथिंग गेट्स अमेलगमेटेड इनटू दिस वन फॉर्म। और ये कितना ब्यूटीफुली आपकी जो पर्सनालिटी को किस तरह से डेवलप कर सकता है, आपकी इंटरनल जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है उसको आप किस तरह से इसमें अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, ये एक बच्चों को सिखाया जाए और वो इसमें एंजॉय भी करें और अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस भी करें। तो जो लिटरी क्लब जम्मू यूनिवर्सिटी का है अंडर उत्साह, जो एक क्लब्स का क्लस्टर है, उसने एक इनिशिएटिव लिया है। आज एक वन डे वर्कशॉप हो रही है ऑन स्टोरी टेलिंग थ्रू पपेट्री मेकिंग, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टू पपेट्स, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे कल्चर का, और आज कहीं ना कहीं हमारे बच्चे उसको भूल गए हैं। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि हम बच्चों में ये जो अपने रूट्स के साथ जुड़ने का, जो एक उनको अपने रूट्स के साथ जोड़ने का एक छोटा सा इनिशिएटिव है, ताकि बच्चे जान पाए कि जो हमारा कल्चर है वो कितना रिच है और हमारी रूट्स क्या हैं। और बच्चे इस वर्कशॉप के थ्रू, इसमें प्योरली हैंड्स ऑन एक्टिविटीज है, जो हमारे रिसोर्स पर्सन है जसविंदर सिंह जी, वो आज उनको प्रैक्टिकली एक्टिविटीज करवा रहे हैं, जिसके थ्रू वो बच्चों को बता रहे हैं कि कितने इम्पोर्टेंट पार्ट है पपेट्री मेकिंग हमारा कल्चरल हेरिटेज का। मेरा नाम जसविंदर सिंह है जी। बेसिकली मैं पंजाब तो हूँ, ते मैं यूनिवर्सिटी तो अपनी स्टडी पूरी की थी म्यूजिक एंड फाइन आर्ट कॉलेज तलाब तेलो। जो मेरी पर्सनल कि आप इस वर्कशॉप में बच्चों को गाइड कर रहे हैं, जी, बताएं इसके बारे में जरा। एक्चुअली सानू लई मैनू एक दिन दे लई वर्कशॉप दे लई बच्चों के लिए सद्या गया सीगा। थोड़ा जहा इन्हां नू असीं ने ये बेसिक सिखाना सी तुहाडे सामने है। ते बेसिकली जो मेरी ट्रेड है पर्सनल वो है मेरी स्कल्पचर दी, ठीक है ना। ते मैम सतनाम, मैं साड़ी जो प्रिंसिपल भी रहे हुए ने मैम सतनाम कौर, ते उन्होंने सानू इत्थे बुलाया, ते साडे इत्थे बुलाउण दे पर असीं उन्हां दा बहुत धन्नवाद करदे हां। जो बच्चे वर्क कर रहे हैं तुसीं देख सकते हो, जिहड़े बच्चियां ने आ साडे नाल मिल के इत्थे काम कीता, ठीक है, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं तुसीं देख रहे हो। ते कुछ बच्चे असीं इन्हां विचों सिलेक्ट करांगे जिन्हां दा इह पर्सनली जिन्हां ने प्रेजेंटेशन देनी है, ते उन्हां नूं असीं अगर इंस्टीट्यूट का पूरा वधिया रोल रहे तो बच्चे इहदे विच होर भी निखर के बाहर आते हैं, उन्होंने अपनी पहचान होंगी है, ये जो उन्होंने टैलेंट है छुपया हुआ वो मतलब उभर के सामने आता है। मैं बहुत ज्यादा खुशी हुई है। बेसिकली मैं कल ही पंजाब गया सी, दोबारा ही मैं बच्चों लिए आया,
ਤੇ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ।